तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से नए फ़ोन के साथ, नए फोल्ड के साथ। यहाँ पर है सैमसंग M30, जिसको M307 एफ भी कहते हैं हम। यहाँ पर FRP लॉक लग चुका है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर बार की तरह, इस बार भी बहुत इजी तरीके से आपको बाईपास करना सिखाना। देखो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता, जो भी मुझे अच्छी लगती है बनाने के लिए कि जो सिंपल ट्रिक से काम हो जाए वही मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट अच्छी वाली कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी नया सोल्यूशन आए मैं आपके समक्ष रख दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है मेरे फ़ोन का। तो आप भी अपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना फ़ोन का, जो भी अपना वाईफाई हो वो कनेक्ट करके ये काम करना है। वाईफाई कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर FRP हम खोलेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से, तो वीडियो को पूरा देखना है, ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि यही ट्रिक आप दूसरे फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक लिंक देने वाला हूँ आपको, जिसकी वजह से आप ये जो टूल मैंने खोला है वो आप डाउनलोड कर पाओगे, और डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा उसको ओपन करना है, फिर फ़ोन को आपके ऐसे कनेक्ट कर लेना है जैसा मैंने कनेक्ट किया है, वाईफाई कनेक्ट करके USB कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो ऊपर है पहला ऑप्शन बाईपास FRP, हमें वहाँ क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर USB ड्राइवर देख लेता हूँ, जो कि नहीं अभी मैंने अच्छे से कनेक्ट नहीं किया था। मैं फ़ोन को बराबर से अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि USB ड्राइवर ले ले, और उसके बाद हमें करना है ये FRP बाईपास पर क्लिक और यहाँ पर ओके दे देना है। ओके देने के बाद यहाँ पर अपने आप इंस्टॉल ड्राइवर लेगा, और एक या दो मिनट के अंदर, एक मिनट भी नहीं होगी, 30 या 40 सेकंड के अंदर आप कोई ऐसा एक फंक्शन आपके फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देना है, जिसकी मदद से आप YouTube खोल पाओगे। अब जैसे YouTube खुल गया, यहाँ पर क्रोम आ गया, यहाँ पर एंटर क्रोम कर देना है हमें। तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद क्या खोलना है और कैसे करना है ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का हम यूज़ करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर नो थैंक्स कर लेता और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो मुझे साइट लिखनी है, आप भी वो लिख लेना, एड रोम बाईपास। यहाँ पहले VN रोम तो नहीं, VN रोम में देख लेता हूँ अगर खुलती है तो, क्योंकि वो ओपन थी तो शायद ये खुलेगी। तो यहाँ पर मैं VN रोम टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वो नहीं खुल रही है, तो हम एड रोम करेंगे, ADDROM, एड रोम बाईपास, बस यही लिखना है आपको, और ये पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेनी, आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है गैलरी स्टोर ओपन का, वहाँ पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका गैलरी स्टोर खुल जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रोल करना है आपको, एकदम नीचे चले जाना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रोल कर लेता हूँ और बिल्कुल नीचे चले जाता हूँ एकदम लास्ट में, और वहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये लैंग्वेज दूसरी होगी, लेकिन हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करते हुए जब गैलरी स्टोर खुल जाए तो यहाँ पर एक टिक देना होता है, आई हैव रीड एंड टर्म एंड कंडीशन, तो उस पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर अपडेट मांग रहा है तो आपको भी अपडेट मांगेगा, तो यहाँ पर अपडेट कर लेना सिंपल सा। तो मैं अपडेट करके फिर मिलता हूँ आपको, यहाँ नोटिफिकेशन पर डन कर देना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो कट कर दूँगा ताकि अपडेट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अपडेट हो चुका है, वापस से वही चले गए हम जहाँ पर पहले थे। तो वापस से हमें गैलरी स्टोर खोल लेना, क्योंकि हमारा गैलरी स्टोर अब अपडेट हो चुका है, तो अब वो नहीं मांगेगा अपडेट। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ नीचे लेटर पर क्लिक कर देना है, और ऊपर सर्च बार में हमें लिखना है, सॉरी ये कट, ओके, सर्च बार में लिखना है हमें सेटिंग। अब सेटिंग में सर्च वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग खुलेंगे, आपको कौन सा लेना है, थर्ड नंबर वाला जो प्ले सर्विस लिखा है उसको ले लेना है। तो ये बहुत ही छोटी ऐप है गूगल स्टोर की, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। तो कम से कम शायद 2 या 3 MB की होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का उसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर एकदम नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर लेटर कर देना है। अब आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड में ये हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटी है, 1 MB की है, देख लीजिए। अब ये इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद हमें इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल और ओपन लिखा हुआ है, हमें ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करके यहाँ पर जो ग्रीन कलर का लेबल लिख रहा है ओपन हेड एंड सेटिंग, वहाँ पर ओके कर लिया, और यहाँ पर
लास्ट में से सेकंड नंबर, याद रखिए लास्ट में से सेकंड नंबर वाला हमें, ये जो लास्ट में से सेकंड वाला है उसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये, अब यहाँ पे नॉट नाउ मत करना वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। यहाँ पर पिन पर जाना है, पिन लगा देना है कोई भी आपको जो याद रहे। मैं यहाँ पर 1212 लगा देता हूँ, दूसरी मरतबा कन्फर्म कर देता हूँ 1212, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर स्किप कर देना है, यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पर एक ऐड आएगी, आपको भी आएगी, तो ऊपर से ऐड को कैंसिल कर देना है। अब क्या करना है, सिंपल सा बैक 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 जाना है जब तक कि हमारा वो, यहाँ दोबारा ऐड आ रही है तो मैं इसको दोबारा कैंसिल कर दूँ। यहाँ से बैक बैक जाना है जब तक कि हमारा वो पहला वाला फंक्शन जब हमने फ़ोन स्टार्ट किया था FRP वाला आता था वो ना आ जाए, तब तक बैक करना। अब ये आ गए हम लेस गो पर, तो यहाँ से हम करेंगे क्लिक, जो पहले करते थे वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है वो देखते जाइए, स्किप दिस फॉर नाउ वो कर देना है। और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट रखना है, वहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा वो पिन, जो हमने वो पिन पहले डाला था तो 1212, तो हमें वही पिन डालना है दोबारा। तो यहाँ पे आ गया है पिन, तो हम यहाँ डाल देता हूँ वही पिन 1212, नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारे FRP खुल गया दोस्तों, यहाँ पर स्किप कर देना है, वापस से स्किप कर देते हैं। और मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर सेटिंग में जाके फैक्टर रिसेट